एक बात तो सबको पता है, सब मानते हैं, सब यकीन करते हैं कि अगर सीख कहीं से भी मिले ना, बस ले लो। अगर सिखाने वाला कहीं भी मिले, सिखा रहा है ना, सीख लो। यह फर्क नहीं पड़ता कि कहां से शिक्षा दी जा रही। अगर कुछ आपके काम का है, सीख लो बस। एक कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और मैं गारंटी लेता हूं अगर इसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर कहिएगा। मेंढकों का एक समुदाय था और वहां एक ना प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक कंपटीशन चल रहा था। मेंढकों का एक गेम चल रहा था और गेम कुछ ऐसा था कि एक टीला था, एक टावर जैसा सीन था और उस पे ऑयल गिरे हुए थे, फिसलन था। और कंपटीशन यह था कि जो मेंढक, मेंढक की बात कर रहे हैं, जो मेंढक सबसे ऊपर चढ़ के पहुंचेगा सबसे पहले, वही विजेता होगा। वही विजेता होगा जो उस फिसलने वाले टावर पे सबसे ऊपर चढ़ेगा सबसे पहले, वही विजेता होगा। प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हुई, पूरा का पूरा ग्राउंड मेंढकों से भरा पड़ा था, सब तालियां बजा रहे थे। सोच लो, मेंढक तालियां बजा रहे थे, शोर हो रहा था, हल्ला हो रहा था, सारे मेंढक प्रयास कर रहे थे, फिसल रहे थे, कर रहे थे, फिसल रहे थे। और यह जोरम जोर काफी देर तक चलता रहा, यह काम काफी देर तक होता रहा। कुछ मेंढक चढ़े, कुछ गिरे, कुछ फिसले, कोई थोड़ा ऊपर गया फिसला, फिर कोई उससे ऊपर गया फिसला। लेकिन आप सब जानते हैं, हर प्रतिस्पर्धा का कोई ना कोई विनर होता है, हर प्रतियोगिता का कोई ना कोई विनर होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए यह धरती वीरों से खाली नहीं है। उसमें एक मेंढक था, एक मेंढक था जो सबसे ऊपर पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंच गया और वह बन गया विजेता उस पूरे प्रतिस्पर्धा का। पूरा का पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज पड़ा। लेकिन कहानी तो अब शुरू होती है। सारे मेंढक नहीं कर पाए, वह मेंढक क्यों कर लिया, क्या खास बात थी उस मेंढक के अंदर, यही बात मैं बताना चाहता हूं। बात यह थी कि जो मेंढक सबसे ऊपर चढ़ा था ना, वह कान से था बहरा, उसको सुनाई नहीं देता था, क्योंकि जो भीड़ थी ना, वो चिल्ला रही थी, अरे बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, फिसल जाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, बड़ा कॉमन है। लेकिन उसने तो कुछ सुना ही नहीं जी। अगर वह सुन लेता, अगर उसको यह बात सुनाई दे देती कि बहुत फिसलन है, कोई नहीं चढ़ पाया, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो शायद वह भी उसी का हिस्सा होता जो नीचे फिसल के गिर गए थे। लेकिन उसने सुना ही नहीं। यह तो एक मेंढक की कहानी थी। अब आप समझ जाइए कि मेंढक कौन है और किसको बहरा बनना है, किस बात के लिए, कब आपको नहीं सुनना है, यह आप डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके कान हैं तो हर बात सुनने के लिए ही है। याद रखिए, कभी कभी यह बातें तुमसे ना हो पाएगा, बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कर देती हैं आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में। याद रखिए, आपकी इरादों से ऊंचा कुछ नहीं, आपकी चाहत से बड़ी कोई बात नहीं।